मैं YouTube चैनल, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज जिस किले पे हम जा रहे हैं कहा जाता है 10वीं सदी ईस्वी में इस किले को तैयार किया गया। चले चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको भी दिखाते हैं आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा जी, अभी हम पहुंच चुके हैं खंडवा चौक में और खंडवा यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले में मौजूद है और जो कि मरकाना मंदराज यहाँ से तकरीबन 13 किलोमीटर है और मलोड तकरीबन 12 किलोमीटर है। ये किला छोई गांव के करीब मलोड आने वाली सड़क पे वाक़िया है और ये किला 980 ईस्वी में तैयार किया गया था जो कि यूनानी और कश्मीरी के फन तामीर था। किला मलोड और इसके मंदिर काफ़ी हद तक सही हालत में मौजूद हैं और ये कलाकार से आने वाली सड़क जलेबी चौक से तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले में मौजूद है। मलोड गांव से 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे पहाड़ की एन चोटी पे मौजूद है। मंदिरों की तादाद 2 है। जो मगरब की तरफ मंदिर है आप देख सकते हैं ये काफी हद तक सही हालत में मौजूद है और जो दूसरा मंदिर है इसकी हालत आप देख सकते हैं पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और ये मंदिर तकरीबन 6 से 7 फुट के चबूतरे पे तैयार किए गए हैं और चारों कोनों को तराश कर मीनार बनाए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं और आप आगे चल के देखेंगे कि ये मंदिर के अंदर मूर्तियां भी तैयार की गई हैं। इसके बारे में जनरल कंगन कहते हैं कि ये मंदिर तकरीबन 18 मरबा फीट था और इस इमारत की हाइट तकरीबन 350 फुट है। ये कमरे पंडितों ने तैयार किए थे और कहा यह भी जाता है कि ये मंदिर झुंझुआ राजा माल खान ने भी तैयार किया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पहाड़ी जो कि किले की हदूद सारी इसके अंदर कोयला और मुख्तलिफ मादनियात के ऊपर बंदी आयद कर रखी है क्योंकि रसाई मुमकिन है और किला मलोड पे बेहतरीन मौसम जो आने का है वो है सर्दियों का। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।